Hello student, as you know I am Rajendra from Surat School Rewari. Today in this video we will discuss the remaining part of clause. Yesterday we have discussed what is clause, the definition of clause and its kinds. So there are mainly two kinds, main clause and subordinate clause. So today we will discuss the parts of subordinate clause. Subordinate clause is having three parts. The first one is adverb clause, second is an adjective clause, and third is noun clause. Let's discuss one by one. An adverb clause is called adverbial clause. Adverb clause को adverbial clause भी बोलते हैं. Start with, और ये जो है start होती है with a subordinate conjunction. For example, because, although, when, if, until, as, if, etc. तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि एडवर्ब क्लॉज कैसे स्टार्ट होती है, सबॉर्डिनेट कंजक्शंस के साथ. और सबॉर्डिनेट कंजक्शंस हमने क्या बता दिए, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, इफ, इट्स, राइट. नेक्स्ट है, इट इंडिकेट्स अ डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद इंफॉर्मेशन एल्सवेयर इन द इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट इट मॉडिफाइज. तो ये इंडिकेट करती है किसको, डिपेंडेंट रिलेशनशिप को, ठीक है. और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है. नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी टू एडवर्ब्स. एडवर्ब क्लॉज यूजुअली आंसर क्वेश्चन सच एज व्हाई. तो ये जो एडवर्ब क्लॉज है इससे सिमिलर होती है और यूजुअली ये आंसर देती है ऐसे क्वेश्चन का जिसमें व्हाई से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, या हाउ से, व्हाई, हाउ, व्हेन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का ये आंसर देती है. नेक्स्ट इज व्हेन द एडवर्ब क्लॉज इज रिटन बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज सेपरेट द टू विद अ कॉमा. जब एडवर्ब क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले रखा जाता है तो उसको सेपरेट किया जाता है कॉमा लगा करके. क्लियर. फॉर एग्जांपल, वी ए डिनर वेयर ऑल द लोकल्स यूजली गो टू. तो यहाँ पर जवाब क्या आया है कि वी ए डिनर, हमने डिनर खाया, कहाँ पर खाया, वेयर ऑल द लोकली, जो लोकल्स हैं ना यूजुअली गो, मतलब आसपास के जितने भी जो लोकल पर्सन्स हैं वो यूजुअली जहाँ जाते हैं वहीं पर हमने डिनर किया. तो यहाँ पर क्या पता चला, वेयर, वहाँ पर प्लेस का पता चल रहा है. वी वॉन्टेड टू गो टू द लोअर एज अर्ली एज वी कुड. अब कब जाना चाहते हैं इसमें, इसमें टाइम का पता चल रहा है हमें कि वेन, एज अर्ली एज वी कुड, जितना जल्दी हो सके हम वहाँ जाना चाहते थे, ठीक है. नेक्स्ट इज वी विजिटेड पेरिस लास्ट सेप्टेम्बर बिकॉज वी वॉन्टेड टू सी द मोनालिसा एट द लोअर म्यूजियम. अब इसके अंदर हमें क्या पता चला, वाई का पता चला, हम वहाँ पर क्यों जाना चाहते थे, मोनालिसा देखने के लिए, मोनालिसा एट द लोअर म्यूजियम, इस म्यूजियम को देखने के लिए हमें वहाँ पर जाना था, ठीक है. तो इसे हमें पता चला कि जो एडवर्ब क्लोज है वो वाई, हाउ, व्हेन, ऐसी क्वेश्चंस का जवाब देती है और इस तरीके से ये यूज होती है. एंड सेकेंड, जो सबॉर्डिनेट क्लोज की जो सेकेंड पार्ट है वो है एन एडजेक्टिव क्लोज. अब एडजेक्टिव क्लोज को हम रिलेटिव क्लोज के नाम से भी जानते हैं. लाइक एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउंस. ये भी एडजेक्टिव की तरह ही जो है मॉडिफाई करती है नाउन और प्रोनाउन को. प्रीसीडिंग इट आल्सो कॉल्ड द एंटीसीडेंट. इसको हम, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आती है तो इसको हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं. इट स्टार्ट्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन और ये स्टार्ट किसके साथ होती है, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ. फॉर एग्जाम्पल, हु, विच, दैट, वेयर, व्हेन, हूज, हूम, हूएवर, इट्स, विच इज आल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज. तो ये इन वर्ड्स के साथ जिन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं उस इनसे स्टार्ट होती है और इसको हम सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ म्यूजियम दैट वी विजिटेड लास्ट. अब देखिए, दिस इज़ अ म्यूजियम दैट वी विजिटेड. अब मैंने ऊपर आपको बताया था दैट भी क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है. तो ये जो दैट से स्टार्ट हुई ना, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, दैट वी विजिटेड लास्ट ईयर. नेक्स्ट देखिएगा, इन पेरिस वी मेट फ्रेंड्स हुम वी हैव सीन फोर ईयर्स. इन पेरिस वी मेट, अब देखिएगा ये हुम जो आया है ना, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. हुम वी हैवंट सीन फॉर अ ईयर, जिनके, जिनको हमने पिछले एक साल से देखा नहीं था, तो उसके पास हम गए थे पेरिस में, ठीक है. तो ये इन जो वर्ड्स हैं इनसे पता चला है कि ये रिलेटिव क्लॉज हैं और रिलेटिव प्रोनाउन से ये स्टार्ट होती हैं और यूज हु, हुम, हूएवर एंड हुम एवर व्हेन द एडजेक्टिव क्लॉज रेफर्स टू अ पर्सन और एन एनिमल विद अ नेम. ये जो
रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जैसे हु, हुम, हुएवर, इसको हमें यूज़ करना है किसी पर्सन के साथ या एनिमल्स के साथ विद, और जो वो नाम के साथ दे रखें. फॉर एग्जांपल द फ्रेंच लेडी हु वाज आवर टूर गाइड टर्नड आउट टू बी अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ आर्स. अब वो जो फ्रेंच लेडी थी हु वाज आवर टूर, जो अब हम टूर पर गए थे उसने हमें गाइड किया था, वो बाद में हमें पता चला कि वो हमारी डिस्टेंट यानी दूर की रिलेटिव्स थी. द फ्रेंच लेडी हु वाज, तो ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये देखो उस लेडी के साथ आया है, द फ्रेंच लेडी यानी कि पर्सन के लिए आया है जो हमारी दूर की रिलेटिव निकली. विद विच और दैट व्हेन द एडजेक्टिव क्लोज रेफर्स टू अ नॉन पर्सन. रिमेंबर ये जो विच और दैट है, जब एडजेक्टिव क्लोज किसी नॉन पर्सन की बात कर रहा है यानी नॉन पर्सन यानी किसी थिंग की या फिर एनिमल की, दैट इज़ नॉट अ पैट. उस समय अगर पैट की बात कर रहे हैं तो उसको हम एज ए पर्सन ह्यूमन बींग कंसिडर करके बात करते हैं, लेकिन अगर नॉन पैट है, पालतू नहीं है, ऐसे ही वाइल्ड है, गली में ऐसे घूमने वाला कोई एनिमल है, उसके लिए हम विच और दैट का इस्तेमाल करते हैं. ओके तो ये था एडजेक्टिव क्लोज. अब एडजेक्टिव क्लोज के बाद हमें करना है नाउन क्लोज. अब नाउन क्लोज क्या है, नाउन क्लोज फंक्शंस एज ए नाउन, एक नाउन की तरह से ही काम करता है, मीनिंग दैट इट कैन बी अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस. इट स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड्स दैट बिगिन विद द एडजेक्टिव क्लोज, दैट हु, विच, व्हेन, वेयर, वेदर, व्हाई, हाउ. फॉर एग्जाम्पल द लियोर म्यूजियम वॉज अमेजिंग, तो इसमें देखा द लोअर म्यूजियम वॉज अमेजिंग. ऐसे शब्दों के लिए हम ये क्या है, ये नाउन क्लोज. ठीक है, तो नाउन क्लोज समझ में आया आपको. द लोअर म्यूजियम क्या है, इसमें नाउन फ्रेज है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो इसलिए इसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे. ठीक है, व्हाट वी सॉ एट द लोअर म्यूजियम वॉज अमेजिंग, ये नाउन फ्रेज. हमने वहाँ पर क्या देखा था, एक म्यूजियम देखा था और वो कैसा था, एकदम अमेजिंग था, अद्भुत था. तो व्हाट वी सॉ एट द लोअर म्यूजियम नाउन क्लोज है और इसको एज ए सब्जेक्ट हमने सेंटेंस के अंदर यूज किया है. वी लव व्हाट वी सॉ द लोअर म्यूजियम, और जो हमने देखा उस लोअर म्यूजियम में वो बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. व्हाट वी सॉ द लोअर म्यूजियम नाउन क्लोज है और एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ. देखिएगा एक ही सेंटेंस को इसने एक बार नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया, उसको दूसरी बार नाउन क्लोज एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया, और थर्ड टाइम इसको नाउन फ्रेज एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में. देखिएगा एग्जांपल के जरिए द बेस्ट थिंग वी लाइक वाज व्हाट वी सॉ एट द लोअर म्यूजियम. तो अब देखिएगा यहाँ पर ये जो व्हाट वी सॉ एट द लोअर म्यूजियम, ये नाउन फ्रेज एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, व्हाट वी सॉ द लोअर म्यूजियम. सो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉज. सो टुडे वी हैव कम्प्लीटेड क्लॉज डियर स्टूडेंट्स विद लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग. आप थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेशन बनाएंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्लॉजेज. दिस इज वेरी इजी फॉर यू. ओके, टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय.